दोस्तों बहुत सारे लेसन मैंने अपलोड किए हैं दैट इज रिलेटेड टू टीचिंग ओनली बट टुडे आई वांट टू गिव यू अ ग्रेट लेसन व्हिच इज वेरी मच यूजफुल इन एवरीवनस लाइफ. आजकल आप देख रहे होंगे लॉकडाउन का समय है एंड एवरीवन इज वेरी फ्री टू हैव सम फन एट देयर होम्स वॉचिंग मूवीज एंड स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली मेम्बर्स अपनी नींद पूरी करना एंड ऑल सब कुछ हो रहा है. बट आज का देख लीजिए अभी 9 बजे मोदी जी के कहने पर सबको बाहर आना है एंड यू हैव टू लाइक लिट कैंडल्स एंड ऑल एंड सो एज टू ग्रीट हिम एंड सो एज टू रिस्पेक्ट हिम. बट आज का देखिए जो मेनली डीडी नेशनल ने और डीडी भारती ने इतने अच्छे आपके लिए स्पिरिचुअल रिलीजियस सीरियल स्टार्ट किया विच इज रामायण एंड आई एम ऑल्सो इन लाइक मूड ऑफ वॉचिंग दिस सीरियल्स कॉन्टिन्यूसली. सो सब ना राम जी भगवान को बहुत करते हैं कि ही इज अ ग्रेट करेक्टर एंड वी शुड ग्रीट हिम. बट लक्ष्मण जी के बारे में किसी ने ज़्यादा बात नहीं की. बट आई वॉन्ट टू फोकस मोर ऑन लक्ष्मण जी इन माई वीडियो. ओके सो ही वॉज अ ग्रेट करेक्टर एंड ही लव्ड राम मोर देन हिज लाइफ इटसेल्फ बिकॉज ही ऑलवेज वॉन्ट टू बी लाइक हिज ब्रदर. बट इतना एरोगेंस था लक्ष्मण जी में बट फिर भी वो राम जी को बहुत ज़्यादा प्रेज करते थे उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे. सो ड्यूरिंग राम्स एग्जाइल वनवास में थे जब वो तो लक्ष्मण डिसाइड टू अवेक फॉर 14 ईयर्स. हमें तो नींद बहुत प्यारी होती है और आजकल बहुत सारे लोग बहुत नींद पूरी कर रहे होंगे लॉकडाउन की वजह से. बट आई जस्ट रिस्पेक्ट एंड आई जस्ट प्रेज लक्ष्मण जी दैट ही रिक्वेस्टेड निद्रा देवी विच इज़ द गॉडेस ऑफ स्लीप नॉट टू गिव हिम स्लीप फॉर 14 ईयर्स. वाई बिकॉज सो दैट ही कैन गार्ड राम एंड सीता जी. So Lakshman was a true gentleman, I can say. He never looked at Sita's face because unko mata ji ke saman mante the. So he always gazed at her feet and so when Lakshman could not identify any jewelry which was thrown by Sita because he was carrying when Ravan was carrying her to Lanka. So except the anklet he can recognize. So before the exile, Ram also convinces Sita by telling that she could stay back in kingdom. But Ram didn't say even a word to convince Lakshman to stay back because Ram knew that he is going to follow him no matter what. Because dono bhaiyon ko itna pyar dikhaya ki Lakshman ji Ram ji ke bina nahi reh sakte the. So Lakshman was immensely loved by Ram. When Lakshman was injured on the battlefield and almost died, Ram confessed that he could live without all the riches in Ayodhya. Sab kuch chhod sakte hain wo. Even Sita ji ko bhi chhod sakte hain. But he could not live without Lakshman. So during the exile, when Ram cried like a madman, asking trees, flowers, plants and animals in the jungle about Sita's whereabouts, Ram often fainted on the ground, depressed, when Lakshman took the role of caretaker and he motivated him only. So I can say that apart from Ramji, we should always greet and respect Lakshmanji also because he was a great soul. Thank you so much for my video. Jai Shri Ram.